इस चैनल पर यार आपको क्लास 12 से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलेगा, चाहे आपके हैंड रिटन नोट्स हुए, या आपकी स्ट्रेटजी हुई, टेस्ट सीरीज हुई, टाइम टेबल हुआ, या और कुछ चीज हुई, सब चीजें। प्लस साथ में आपको जेई मेंस के बारे में और आपको क्लास 12 के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं सबके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाओ, जिससे आने वाले सारे फ्यूचर में वीडियोस की आपको अपडेट मिल जाए। तो हे गाइस, दिस इज अमन दत्तरवाल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे बीएससी के बाद आईआईटीज और आईएससी बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो यार, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनका एक सपना होता है कि हमारे बच्चे आईआईटीज में जाके पढ़े, हमारे बच्चे आईआईएससी बैंगलोर में जाके पढ़े। तो अगर यार आप क्लास 12th में आप एडमिशन नहीं ले पाए इंस्टीट्यूट्स में, चाहे कोई भी कारण रहा हो, आपका जेई मेंस में कम नंबर आए हो, या आपके जेई एडवांस में कम नंबर आए हो, या आपने फॉर्म ही ना भरा हो, ठीक है, तो अब आपके पास मौका है कि आप बीएससी के बाद आईआईटीज और आईएससी में जा सकते हो। और इस मौके का नाम है जाम, ठीक है। तो जाम आपका ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट होता है यार, और ये जो साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए होता है कि वो आईआईटीज और आईएससी जैसे जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बीएससी में कौन कौन सी स्ट्रीम्स वाले बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं, कुछ ही स्ट्रीम्स हैं जो दे सकते हैं। जियोलॉजी हो गया आपका, बायो साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हो गया, और आपका फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। यही स्ट्रीम्स के जो बच्चे हैं वही सिर्फ इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन होता है यार कि आप एक फॉर्म, एक पेपर दो या आप दो पेपर दो, ठीक है। ये जो स्ट्रीम आपको मैंने सात स्ट्रीम बताई, इनमें से आप एक का भी पेपर दे सकते हो और आप दो का भी पेपर दे सकते हो, और वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप सातों में से कोई भी रैंडमली दो सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेपर होता है वो एक ही तारीख को होता है। जैसे 11th February को हुआ था, तो एक दिन में दो स्लॉट्स होते हैं इसके, एक सुबह एग्जाम होता है, एक शाम को एग्जाम होता है। आधी जो चार स्ट्रीम्स का सुबह होता है, तीन स्ट्रीम्स का शाम को होता है, वो आपको वीडियो क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है यार, वो सितंबर महीने में आता है। जैसे लास्ट टाइम 5th September to 10th October इसकी डेट थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, और पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको ₹1500 देने पड़ेंगे एक पेपर के लिए, और दो पेपर के लिए आपको ₹2100 देने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के तो आपको सस्ता पड़ जाएगा थोड़ा, ₹750 देने पड़ेंगे आपको एक सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपको दो सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, जो कि बहुत कम बच्चे देते हैं, तो आपको 1050, ठीक है, ₹1050 देने पड़ेंगे। अब यार, इसमें एलिजिबिलिटी की एक कंडीशन होती है, ठीक है, बहुत माइन्यूट सी कंडीशन है, सब क्वालिफाई कर दोगे, कि आपके बीएससी में अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपके मिनिमम 55% रहे हो, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के तो आपके मिनिमम 50% रहे हो, तभी आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। अब ये एग्जाम कंडक्ट कब होता है, ये एग्जाम आपका फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ फरवरी में कंडक्ट होता है। लास्ट टाइम 11th February को कंडक्ट हुआ था, और जो इसका रिजल्ट है वो इसका मार्च एंड में आता है, जो आपका एंड वीक ऑफ मार्च होगा तब तक आपका रिजल्ट आ भी जाएगा। अब एग्जाम जो है इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। जो एग्जाम होता है यार, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, और आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है, और इसमें 60 questions आते हैं जो कि 100 marks होते हैं, ठीक है। अब चीजें थोड़ी सिंपल करके बताता हूँ आपको। तीन सेक्शन होते हैं इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी में आपके 30 questions होते हैं बेसिकली, जो आपके पहले 10 questions होते हैं उसमें वो आपके 10 mark के होते हैं, और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपके अगले 20 questions होते हैं वो आपके दो मार्क के होते हैं, और उसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऐसे आपका टोटल सेक्शन ए 50 number का हो गया। सेक्शन बी जो है आपका, उसमें आपके 10 questions होते हैं और वो 2-2 number के होते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, तो ये आपका 20 number का हो गया। जो आपका सेक्शन सी है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो आपके पहले 10 questions हैं वो 1-1 number के होते हैं, और जो आपके अगले 10 questions होते हैं वो 2-2 number के होते हैं, तो ये आपका 30 number का हो गया, ठीक है। तो आपका सेक्शन ए 50 number का है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये 20 number का है, और जो सेक्शन सी है आपका, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका 30 marks का है। जो आपका सेक्शन ए होगा, ठीक है, वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। जो आपका सेक्शन बी होगा वो एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के टाइप के होंगे। जो आपका थर्ड है उसमें आपके न्यूमेरिकल डिजिट्स आपको सेलेक्ट करने होंगे, मतलब आपको ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे, आपको न्यूमेरिकल डिजिट कर रखे होंगे। जो भी आपका आंसर निकलेगा ना इन 30 questions में, मतलब जो आपका 30 number का ही है, वो एक न्यूमेरिकल डिजिट होगा, तो 0 to 9, तो आपको वो पर्टिकुलर वो सर्कल करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपका आंसर 4 आया तो आप 4 को सर्कल कर दोगे, समझ गए, ठीक है। तो आपको एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। सिलेबस जो पहले बताना चाहिए था, लेट बता रहा हूँ, सॉरी। सिलेबस आपका क्या होता है, सिलेबस जो आपने बैचलर्स डिग्री में पढ़ा होगा ना यार, वो ही आपका आता है, ठीक है। जैसे अगर आपने जो भी बैचलर्स में आपके फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट थे उसी से रिलेटेड आता है, कुछ आपसे बाहर का नहीं पूछेंगे।
वही चीज आती है। बाकी आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देख लोगे, एग्जाम पैटर्न वगैरह देख लोगे, तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें शायद बता दी, कोई मिस नहीं की होगी। सॉरी, एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को कि जो आपको कोर्सेज क्या मिलेंगे IITs में जाके, ये तो मैं आपको बताने भूल गया, सॉरी। ठीक है, तो आपको MSc का कोर्स मिलेगा। ठीक है, आप MSc कर सकते हो वहां पे IITs में जाके, 4 semester की। आप ज्वाइंट MSc PhD कर सकते हो, आप ड्यूअल डिग्री भी कर सकते हो बेसिकली MSc और PhD में, और आप इंटीग्रेटेड PhD भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आप वहां जाके देखोगे, एग्जाम का फॉर्म वॉर्म भरोगे, आप JAC की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यार, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक एग्जाम का पेपर, एक सब्जेक्ट का पेपर भी दे सकते हो, और आप दो सब्जेक्ट का पेपर भी दे सकते हो। ठीक है, वैसे मेजोरिटी बच्चे एक ही सब्जेक्ट का देते हैं, पर मतलब इनकेस आपको दो सब्जेक्ट का देना है तो होता क्या यार कि जो पेपर होता है ये एक ही डेट को होता है, मतलब 11 February को हुआ था जैसे लास्ट टाइम। तो इसका एक मॉर्निंग स्लॉट होता है, एक इवनिंग स्लॉट होता है। 4 subjects का मॉर्निंग स्लॉट में होता है और 3 subjects का इवनिंग स्लॉट में होता है। तो अगर आपको 2 subjects सेलेक्ट करने हैं तो आपका एक मॉर्निंग स्लॉट में से होना चाहिए, एक इवनिंग स्लॉट में से होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके दोनों सब्जेक्ट्स मॉर्निंग स्लॉट में होते हो। तो आपके इवनिंग स्लॉट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, पहले इवनिंग बता देता हूं मैं आपको। आपका बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है, तो ये आपके इवनिंग स्लॉट में होते हैं, और आपके मॉर्निंग स्लॉट्स में बचे हुए होते हैं जियोलॉजी हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और आपका मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये जो 4 subjects हैं आपके मॉर्निंग है और ये वाले इवनिंग है। ठीक है, तो सिलेक्ट करने तो आपको ऐसे सिलेक्ट करने होंगे, ऐसे सिलेक्ट मत करना। तो मैंने सारी चीजें शायद बता दी, कोई मिस नहीं की होगी, और कोई मिस कर भी दी तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे। ठीक है यार, एक मौका मिला है जहां मुझे अपने 12th में नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज भी होती है। मुझे लगता था जेई मेंस है बस, उसके बाद आप IIT, जेई मेंस और जेई एडवांस के बाद आप IIT में नहीं जा सकते। मतलब अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो आप नहीं जा सकते। अब मुझे जैसे ही इसका पता चला, मेरे को आपसे शेयर कर दिया मैंने। ठीक है, सॉरी, मैं हक ला रहा हूँ थोड़ा, पता नहीं क्या हो रहा है यार। ठीक है, घूमने आया हूँ, चलते हैं। सिया, हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय, सिया।